इटावा में अवकाश पर आए सिपाही की फावड़ा से काटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार। यूपी के इटावा जनपद में थाना सैफई क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार को छुट्टी पर घर आए सिपाही की लाठी डंडों से मारपीट करने के बाद फावड़ा से काटकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। मृतक सिपाही के ताऊ और चचेरे भाइयों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर हत्या में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि थाना सैफई क्षेत्र के गोबेपुरा गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात अनिल यादव की लाठी डंडों से मारपीट के बाद फावड़ा से काटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर पूछताछ की। इस दौरान पुलिस टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, एक आरक्षी के पद पर जो है मथुरा में नियुक्त थे और अनिल कुमार नाम था, 2006 बैच के सिपाही थे, मथुरा में नियुक्त, छुट्टी पर आए हुए थे। उनके सगे बड़े पापा दर्शन सिंह, जिनका नाम बताया जाता है, उनके द्वारा चोट पहुंचा करके, काफ़ी गहरी चोट पहुंचा करके, मैं कहूंगा कि फावड़े का इस्तेमाल और डंडे का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल करके उनको काफ़ी चोटें पहुंचाई गई उनके सर पे। आप देख रहे होंगे काफ़ी विभत्स स्थिति में उनकी हत्या की गई है। उनके सर को और तमाम इतने वार किए गए हैं कि पूरा स्थिति, पूरी बॉडी जो है ख़राब स्थिति में हो गई है। तो निश्चित तौर से जो है इसमें मैं बहुत ही सख्त कार्रवाई करूँगा। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्दी इसमें हम ऐसी कार्रवाई करेंगे निश्चित तौर से जो है कि इसमें कानून व्यवस्था को और लोक व्यवस्था बनाने में सहयोग मिलेगा।